तो आज आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं नई डिश बिरयानी जो कि बनाई है मेरी सिस्टर मैंने और वो मेरे साथ है मेरे व्लॉग में। तो सिस्टर आप बताएं, आज आपने इतनी यमी यमी स्पेशल अब्बू जी के लिए बिरयानी बनाई, उनकी बर्थडे थी। जी आज मेरे अब्बू की बर्थडे थी, मैंने सोचा कुछ चेंज करते हैं, इसलिए आज भी मैंने बीफ बिरयानी ट्राई की। और हमने इसमें तकरीबन 2-2.5 किलो के करीब हमारे पास गोश्त था, उसको हमने वॉश किया। वॉश करने के बाद उसमें सिरका और नमक डाल दिया और उसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया। फिर उसके बाद उसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट और कुछ घर के स्पाइसेस ऐड किए थे, जैसे धड़ा मिर्च, सुर्ख मिर्च और थोड़ा सा सूखा धनिया, नमक और बिरयानी मसाला, धनिया, पुदीना और दही सबसे लास्ट में। फिर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, मिक्स करके फिर इसकी अच्छी सी मैरिनेशन की और फिर इसको रख दिया। और इसकी मैरिनेशन टाइम जो है वो लुक्स भी कितने अच्छे आ रहे हैं ना मैरिनेट हुए हुए, बहुत अच्छे। और ये धनिया पुदीना कितना अच्छा लग रहा है इसको। ये सिर्फ देखने में ही नहीं अच्छा लगता, इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है इसके अंदर। चले अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हम पकाना हमने स्टार्ट किया था 2 घंटे बाद। फिर हमने 1 कप ऑयल लिया, उसमें प्याज 5-6 अदद मेरे पास प्याज थे मीडियम, उसे हमने काट के फिर लाइट ब्राउन कर लिया। और उसके बाद आधा प्याज मैंने निकाल लिया था बिरयानी की टॉपिंग के लिए और आधे के अंदर फिर मैंने चिकन वगैरह ऐड किया था। तो चले अच्छी बात है, मैंने भी आपसे 1 अदद रेसिपी और सीख ली। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक्सपेरिमेंट जो है ना मैं आप लोगों पर ही करती, तो इसलिए। फिर अब हमने इसमें मैरिनेट किया हुआ बीफ डाल लिया था और फिर इसके बाद इसमें आलू बुखारे डाले, चंद आलू बुखारे और 7 टमाटर थे मेरे पास 5-6 अदद, उनको मैंने रफ ही चॉप करके बस डाल दिया था। और इसमें एक ये चीज़ थी कि इसको मुझे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं पड़ा, मैंने इसे भूना नहीं, बस अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने जो है ना फिर आगे कुकर चला दिया था, क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि टमाटर जब अपना पानी इसमें छोड़ेगा, दही टमाटर और इससे जो है ना ये गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छा सा टेंडर हो जाएगा और बहुत अच्छे से बन जाएगा। फिर बस उसके बाद हम लोगों ने इस पर इसको प्रेशर लगा दिया था तकरीबन 25 मिनट के लिए और 25 मिनट का प्रेशर लगाने के बाद ये तैयार हो गया था। फिर मैंने इसको लाइट सा भून लिया था 25 मिनट के बाद, उसका थोड़ा सा मुझे लग रहा था ग्रेवी ज़्यादा तो लाइट से उसकी ग्रेवी मैंने खुश कर ली थी। और फिर उसके बाद फिर चावल बॉईल करने का मन स्टार्ट हो गया था, फिर चावल हमने बॉईल किया, हमारे पास तकरीबन 1.5 किलो चावल थे और फिर हमने वो बॉईल किया। उसके बाद जी आप देख सकते हैं मैंने देश के गिनचे पहले आलूओं की तह लगाई थी, ये एक बहुत अच्छा सा टेक्सचर आता है इसका, बहुत यम्मी सा। और इस पर भी मैंने पहले चावल डाले, इसके बाद इसमें कोरमा ऐड करूँगी और कोरमा भी आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत रेडिश सा और बहुत बहुत मज़े का था, ये बहुत अच्छा सा टेंडर होके बना और बहुत ही यम्मी बना था। स्पाइसेस इसमें थोड़े से कम रखे थे, वो इस वजह से कि मेरे फादर बहुत तेज स्पाइस नहीं लेते, तो फिर इसे हमने इसमें स्पाइस थोड़े कम कर लिए थे। तो यहाँ बस दम लगाने का अमल स्टार्ट हो गया। कोरमे के ऊपर भी मैंने प्याज डाल दिया और ब्राउन प्याज जो था मेरे पास, फिर कलर डालना पहले मैं भूल गई थी, फिर एंड पे मैंने साइड पे थोड़ा सा कलर डाल दिया और ये कलर मैंने दूध में जो है वो भिगोया हुआ था और उसमें फिर ये सेकंड तह लगा रहे थे हम लोग। ये कितने मज़े का लग रहा है ना कलर का, वो कितने मज़े का लग रहा है दूध में, ये तो बहुत अच्छा था। थोड़ा सा येलो सा एक उसने कलर में एक येलो सा कलर आया, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा इसमें ऑरेंज कलर ऐसे ही बगैर किसी चीज़ में ऐड किए वो मिलाया तो था। तो ये भी होता है ना कि लोग केवरा एसेंस भी यूज़ करते हैं, नहीं मैंने अपनी नहीं किया क्योंकि मुझे केवड़ा इतना ख़ास पसंद नहीं है। मेरा ख्याल है उसके बगैर मुझे उसका आर्टिफिशियल फ्लेवर थोड़ा सा आर्टिफिशियल फ्लेवर लगता है, क्योंकि जब भी मैं वैसे ये बहुत मज़े की रेसिपी थी, यानी इसमें सारे घर के मसाले थे, सिर्फ एक बिरयानी मसाला ऐड हुआ था, बिरयानी मसाला ऐड हुआ था, बाकी चीज़ें सारी घर की थी। और दूसरी बात ये कि ये जब बन गई थी और सब ने जब ये खाई थी, और अभी तो आप भी बताएंगी ये कैसी थी, क्योंकि इसकी हर बोटी में, गोश्त की बोटी में, चावल में बहुत ज़्यादा ये टेंडर था और बहुत बहुत टेस्ट था इसमें। अच्छी वाली आज बर्थडे की
हम बहुत, और जब तक इधर शहर में हैं हमारे मज़े हैं, हमारे साथ हैं इधर घर में, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग मज़े कर लें, यम्मी डिशेस, अच्छी अच्छी डिशेस आप लोगों को खाने को मिल जाएंगी, यम्मी यम्मी डिशेस बना। और ये हम यहाँ पे दम खोल रहे थे और ये अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह की, हाँ ये अब आप देखें कितना अच्छा है। तो अब ये देखें एक एक, और ये लास्ट में इसकी प्रेजेंटेशन चेक कर लें आप, चावल भी बहुत अच्छा खिल के आए। चले जी, हमारा केक आ गया, केक था ये हमारा, और ये हमने केक काटा था, और ये था चिकन चीज ब्रेड केक था, और ये मैंने आज फर्स्ट टाइम, पहले खुद बनाना था लेकिन फिर थोड़ा सा टाइम का भी इशू था, मैंने कहा चले आज ऑर्डर करते हैं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसे खुद ट्राई करेंगे। मनाई बिल्कुल, और आप हमारा चैनल लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नेक्स्ट हमारी हौसला अफजाई करें, बिल्कुल, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।